नमस्ते, प्रणाम। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में पैरालिसिस के विषय में बताने वाला हूँ कि योग में आप कौन कौन से अभ्यासों को कर सकते हैं पैरालिसिस में लगवाए। कभी बहुत प्रॉब्लम इससे लोगों को हो रही है, बहुत से लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, तो आप किन अभ्यासों को कर सकते हैं पैरालिसिस में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्रथम दिन से आप उन अभ्यासों को शुरू करके और धीरे धीरे आप पैरालिसिस जैसे विकारों पर भी विजय पा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि पैरालिसिस का जो सबसे पहला कारण है विशेष, उसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ। पैरालिसिस में सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लगभग जनरली आप देखते हैं कि पैरालिसिस में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं लोगों को, राइट या लेफ्ट दोनों साइड में कोई भी एक ऐसा स्ट्रोक आता है, जब स्ट्रोक आता है हमारे शरीर पर तो दाएँ या बाएँ जिस भी दिशा में आता है तो वहाँ पर फिर आधा अंग हमारा पूरा का पूरा कार्य नहीं करता है और वो बिल्कुल स्थिर सा पड़ जाता है। तो फिर उसको, उसकी निष्क्रियता को सक्रियता में बदलने के लिए आप किन अभ्यासों को कर सकते हैं मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसका सबसे बड़ा जो कारण है पैरालिसिस में, आधे की आधी शरीर हमारे नहीं काम करती, आधे के आधे अंग प्रत्यंग हमारे निष्क्रिय हो जाते हैं। और सबसे पहला जो इसका कारण है वो विशेष कारण है कि आपका जो ब्रेन है वो इस विकार को उत्पन्न करने में सबसे बड़ा जो वर्क होता है वो ब्रेन का ही होता है, क्योंकि जिस भी अंग प्रत्यंग का हम कम से कम प्रयोग करते हैं वो अंग प्रत्यंग जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं एक समय के बाद, और ब्रेन जो होता है उनको नेग्लेक्ट कर देता है। और फिर जिनमें ब्लड की सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाती, फिर बाद में लोग ये भी आप जानते हैं और बताया भी जाता है कि आयरन की कमी होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, ब्लड सर्कुलेशन का ठीक तरीके से ना होना ये भी एक कारण है। और ये भी बताते हैं कि खून एक जगह पे जो एक तरीके से जम भी जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इनसे, और इनसे भी बड़ा जो सबसे पहला कारण है वो मैंने आपको बताया कि ब्रेन हमारे जिस अंग को नेग्लेक्ट कर देता है, जिस भी अंग प्रत्यंग को हमारे नेग्लेक्ट कर देता है वहीं पर ये स्ट्रोक आते हैं, वहीं पर ये अटैक आता है। तो अब आपको मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि आप किन अभ्यासों को कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं, बहुत ही लाभकारी हैं। सबसे पहले तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जिनको मैं बता रहा हूँ, इनको बिल्कुल आप कभी भी इग्नोर ना करें, इनका आप विशेष ध्यान रखें। एक तो सबसे पहले मस्तिष्क हमारा उन्हीं अंग प्रत्यंगों को नेग्लेक्ट करता है जिनका हम प्रयोग नहीं करते, जिनका हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते अपने जीवन में। तो अब सबसे अधिक आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, एक तो जो भी पैरालिसिस का पेशेंट है आप फर्स्ट डे से ही उसको ये कार्य जरूर करवाएं कि जब भी वो लेटता है तो आप उसको, जब भी वो लेटता है तो आप जो उसकी उसका बेड है उसको आप हमेशा दरवाजे के सामने की तरफ ही लगाएं, उसके रूम में जो दरवाजा है उसके सामने की तरफ ही आप उसके बेड को लगाएं। इन बातों का एक सबसे पहला ध्यान रखेंगे। दूसरा विषय आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप अगर हमारे दाएं साइड में अटैक है या बाएं साइड में, और मान लीजिए दाएं साइड में हमारे अटैक है तो आपको जो भी सामान रखना है तो वो आप दाएं साइड में ही हमेशा रखेंगे। इन बातों का भी बहुत विशेष आपको ध्यान रखना है। अगर आप पानी का ग्लास भी रखते हैं तो जनरली आप देखते हैं परिवारों में लोग ये अक्सर करते हैं, जो भी पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं उनके साथ हमेशा ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि वो जब भी ग्लास भी रखेंगे तो अगर दाएं साइड अटैक है तो वो बाएं साइड ग्लास रखते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको ध्यान में रखना है कि दाएं साइड ही आपको ग्लास को रखना है, क्योंकि दाएं साइड जब हम ग्लास को रखेंगे तो साइकोलॉजिकल ये बिल्कुल प्रूव्ड बात है कि आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हम दाएं साइड ग्लास को रखते हैं या दाएं साइड ही हम फ़ोन को रखते हैं या दाएं साइड ही हम कोई भी ऐसी वस्तु को रखते हैं जिनका आपको पेशेंट्स को प्रयोग करना है, तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम उसको देखेंगे तो जैसे ही हम देखेंगे वैसे ही हमारे मस्तिष्क में तुरंत एक करंट की फ्लो की तरीके से ये बात पहुँचती है और ये इंडिकेशन मिल जाता है कि दाएँ साइड ही है। तो जब भी आप देखते हैं कि अगर दाएं साइड ही कोई भी चीज़ रखी हो तो हमारा पहले बायां हाथ नहीं जाता है, पहले दायां हाथ ही जाएगा। तो जब हम दाएं हाथ को बार बार वहां पर ले जाएंगे और बार बार हमारा मस्तिष्क जो है वो बार बार जब दाहिनी तरफ ही वो हमेशा फोर्स करेगा हमें, तो बार बार जब हम दाएं अंग का प्रयोग करेंगे तो दाएं अंग हमारा सक्रिय होगा कहीं ना कहीं, और उससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से हम अच्छे होंगे 100%। ये बातें बिल्कुल प्रूव्ड हैं, इनको आप पेशेंट्स को करवाएं और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, श्योर है कि दाएं साइड में ही आप ग्लास को भी रखें। और उसके बाद आप ध्यान में रखें जब भी वो लेटते हैं तो उनके हाथ को जरूर स्ट्रेट कर दीजिए, जैसे अगर हाथ पर आपको दबाव लग रहा है या उंगलियां फिंगर्स इस तरीके से मुड़ जाती हैं तो आपको ध्यान में रखना है, इनको उंगलियों को खोल के रखें, ओपन कर दें बिल्कुल, और
जो भी आप पिल्लो आदि रखते हैं तकिया, तो उसको इस प्रकार से आप ऊपर की तरफ रख दें और हाथ को सीधा करके रखने का प्रयास करें अधिक से अधिक जो भी पेशेंट है। फिर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, अगर वो करवा रहे हैं एक्सरसाइज तो भी आपको ध्यान में रखना है कि आप दाहिनी दिशा पर, दाएं अंग पर ज़्यादा वर्क करेंगे। जितना अधिक आप दाएं अंग पर वर्क करेंगे उतना ही जल्दी आप सक्रिय हो सकेंगे। इन बातों के साथ साथ योग की कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सूक्ष्म व्यायाम लगभग आप सभी कर रहे हैं, जो भी सूक्ष्म व्यायाम है शरीर में मैंने पीछे के वीडियोज में आपको बता भी रखे हैं, उनको आप जरूर करें, बहुत ही लाभकारी रहेंगे। उनके साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताना चाहूँगा कि जब भी आप पैरालिसिस के पेशेंट्स को उठाते हैं तो इस बात को भी बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करेंगे आप कि जब भी पैरालिसिस के पेशेंट्स को आप उठाते हैं तो कभी भी आप सीधे से ऐसे नहीं उठाएंगे। आपको इन बातों का याद रखना है। बहुत से लोग जनरली होता क्या है कि दाएं साइड में ही अगर हमारे अटैक है तो वो कभी दाएं साइड को नहीं पकड़ते, वो बाएं साइड को ही पकड़ के उठाते हैं, ठीक, और एक ही साइड में ऐसे पकड़ के इस प्रकार से उठाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको जब भी उठाना है तो आप दोनों साइड से इस प्रकार पकड़ेंगे और दाएं और बाएं दोनों दिशाओं में, या कमर पे आप हाथ को रखें या आपको शोल्डर रीजन पे पकड़ना है तो यहाँ पे रखें, रिप पे, बैक पे, तो इस प्रकार से पकड़ के आप उनको उठाने का प्रयास करें तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा ही इफेक्टिव रहेगा पैरालिसिस के पेशेंट। उनके साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है, आप जब भी उनको लेके भी चलते हैं तो आप कोशिश करिए अगर उनके दाएं दिशा में ही उनको दाएं तरफ ही उनको तकलीफ है तो आप उनके दाएं हाथ को ही ज़्यादा सक्रिय करने का प्रयास करवाएं। दाएं हाथ से आप अधिक से अधिक कार्य लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये थोड़ी सी बातें मैंने शुरू में आपको इसीलिए बताया। फिर ब्लड सर्कुलेशन को आप अच्छा कर सकते हैं, उसका सबसे अच्छा माध्यम है प्राणायाम। प्राणायाम में अनुलोम विलोम सबसे इफेक्टिव है और नाड़ी शोधन ये बहुत इफेक्टिव अभ्यास क्रम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप नियमित रूप से करवाएं, ये भी बहुत लाभकारी रहेगा। अनुलोम विलोम में सभी को मैंने कई बार वीडियोस में बता भी रखे हैं, आज फिर से एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो में भी। आपको कुछ नहीं करना, दाहिनी नासिका को आपको ऐसे दबाना है, बस बाएं से लंबी गहरी सांस को भरते हैं, फिर मध्यमा और अनामिका उंगली को इस प्रकार से दबाते हैं, दाएं से सांस को छोड़ देते हैं, जहां से सांस को छोड़ते हैं वहीं से सांस को भर लेते हैं, पुनः फिर ऐसे एक बार थंब्स को दबाते हैं, फिर से सांस को छोड़ते हैं बाएं से, अब बाएं से सांस को छोड़ा तो फिर बाएं से ही सांस को भरेंगे, ऐसे 5 सेकंड में सांस को भरेंगे, फिर मध्यम और अनामिका उंगली को दबाएंगे, अब दाएं से सांस को छोड़ देंगे, जहां से छोड़ेंगे वहीं से पुनः सांस को भर देंगे। अब ये अल्टीमेट अभ्यास है, इसको आप भोजन के उपरांत भी, लेटे लेटे भी, आप एक एक घंटे, आधे आधे घंटे अपने सामर्थ्य के अनुसार, सुबह शाम दोपहर जब भी आपको समय मिलता है आप परमानेंट ही अनुलोम विलोम करते रहें, क्योंकि अनुलोम विलोम को करने से हमारा नर्वस सिस्टम सक्रिय होगा और जहां से हमारा मस्तिष्क जो है, जब हम दाएं से सांस को लेते हैं तो बाएं मस्तिष्क हमारा एक्टिवेट होता है, बाएं से जब हम सांस को लेते हैं तो दाएं मस्तिष्क हमारा एक्टिवेट होता है और यहां से हमारे भीतर सक्रियता जो है वो बढ़ती है और रीजनरेट हुई सेल्स रीजनरेट हो जाती हैं, जो कोशिकाएं मर गई हैं उनका पुनर्जन्म हो जाता है, दोबारा से वो जीवित हो जाती हैं और वहां से भी हम पैरालिसिस को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं। और अगली स्थिति मैं आपको विशेष भी बोलने का प्रयास करूंगा कि आप पैरालिसिस के जो भी पेशेंट हैं उनको इस प्रकार से फिंगर्स को लॉक करवाइए और ऐसे स्ट्रेट, ऐसे अधिक से अधिक स्ट्रेस करवाएंगे दाएं बाएं दोनों तरफ इस प्रकार से, फिर दाएं बाएं पीछे की तरफ भी इस प्रकार से। इन अभ्यासों को, सारे सूक्ष्म व्यायाम तो जितने भी हैं उनको आप जरूर करवाने का प्रयास करें। नेक की एक्सरसाइज से लेकर के धीरे धीरे ऐसे सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, पुनः ऊपर आइए सांस को भरते हुए, फिर दाएं दिशा में ऐसे सांस को छोड़ेंगे, पुनः ऐसे बाएं से, फिर से दाएं से ऐसे सांस को छोड़ते हुए जाइए, बाएं से भी ऐसे सांस को छोड़ेंगे, ऐसे सांस पर सांस एक एक अभ्यास इस प्रकार से करेंगे। फिर ध्यान में रखना है दाहिने हाथ को अधिक से अधिक स्ट्रेस करके बैक पे इस प्रकार से जितना आप करवाएंगे उतना ही इफेक्टिव रहेगा और लाभकारी रहेगा। प्राणायाम का अभ्यास जरूर करवाएं, उनके लिए प्राणायाम भी बहुत अच्छा है। और हर श्रृंगार और निर्गुंडी इनका नियमित रूप से आप प्रयोग करवाइए, ये दोनों औषधियाँ आयुर्वेद में बहुत ही इफेक्टिव हैं जो भी पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं उनके लिए। और मैंने फिर आपको इस बात पर विशेष जोर दिया कि आप उनको मानसिक रूप से कहीं से भी, उनको आप किसी भी प्रकार के तनाव या दबाव में बिल्कुल उनको न पड़ने दें और उनको मानसिक रूप से जितना स्वस्थ करेंगे वो उतनी ही जल्दी अपने विकारों को क्योर कर सकते हैं। तो इन अभ्यासों को आप जरूर करवाइए। सूक्ष्म व्यायाम लगभग मैंने सभी बताए, प्राणायाम के अभ्यास बताएं, इन सभी को करवा के आप नियमित रूप से पैरालिसिस के पेशेंट्स को अच्छा कर सकते हैं। आज के वीडियोज़ में मैंने थोड़ी सी हेल्थ की टिप्स के विषय में आपको बताया है, आगे के वीडियोज़ में मेरा प्रयास रहेगा कि आपको विशेष लाभकारी अभ्यास और भी बताएंगे जिनको आप नियमित रूप से करके पेशेंट्स को अच्छा भी कर सकते हैं, सक्रिय भी कर सकते हैं और जो सभी के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा।
और सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें हमारे पास और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत